मखदुम पोखरा में तैरता हुआ 9 महीना का बच्चा मिला है। ये जो पोखरा देख रहे हैं, इस पोखरा में एक नवजात बच्चा तैरता हुआ मिला है। इसके संदर्भ में हम बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि मानवता मर चुकी है। जिस प्रकार से इस बच्चे को जन्म देने के बाद पोखरे में फेंक दी गई है, इससे तो यही लगता है कि मानवता शर्मसार हो रही है। आखिर इस बच्चे की क्या दोष थी, जहां इस बच्चे को इस संसार में जीने का हक होना चाहिए था। कौन से ऐसे दानव है जिन्होंने इस पोखरे में आकर के मात्र 9 महीने के बच्चे को फेंक दिए हैं। आखिर इस बच्चे की क्या दोस्त थी जो आज इस पोखरा में तैरता हुआ मिला है। आप भी देखेंगे ना तो शर्मा जाएंगे कि आखिर मानवता किस प्रकार से मर चुकी है। ये बच्चा मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मिले हैं। वार्ड नंबर 11 में मखदुम पोखरा में तैरता हुआ 9 महीना का बच्चा मिला है। यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ देखने वालों की और देखने के बाद की स्थिति को हम बयां करें तो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं जिससे कि इस प्रकार के परिदृश्य को हम आपके साथ साझा कर सके। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी इस बच्चे को देखने के लिए आए हैं, देखकर चले जाते हैं, तो वही आपको बता दें कि खुटौना प्रखंड के ललमनिया थाना के थानाध्यक्ष को कई घंटों से इस बच्चे के बारे में बताई गई, लेकिन ललमनिया थानाध्यक्ष इस बच्चे के संदर्भ में बहुत देरों तक सुधि नहीं लिए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का बहुत बड़ा आरोप है कि इस बच्चे के आखिर माता पिता कौन है जिसने इस बच्चे को इस पोखर में फेंक दिए हैं। आखिर इस बच्चे ने कौन सी ऐसी गुनाह थी जिसे इस बच्चे को इस पोखरा में तैरने के लिए फेंक दिया था। ये बच्चा न आकाश से आया है, न पताल से उखड़ के आया है, आया है तो किसी माँ के कोख से ही आया है। चाहे वो माँ जो भी रहे हो, जिन्होंने इस बच्चे को, या उनके पिता रहे हो जिन्होंने इस बच्चे को इस पोखरा में फेंके हैं, इसके लिए ऐसे नासूर माँ बाप को जीने का हक नहीं है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो वही इस प्रकार की घटना फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया है। हम अभी मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में है, और ये आप पोखरा जो देख रहे हैं, ये पोखरा मखदुम पोखरा है, और इस पोखरे के किनारे बच्चे की लाश है। और इस बच्चे की उम्र जब आपको पता चलेगा कि मात्र 9 महीना का बच्चा जो पेट में पल रहा था, न जाने कौन सी ऐसी दुरात्मा है, या कहें कि कौन सी ऐसी राक्षसी माँ और बाप है जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं और इस बच्चे को इस पोखरे में फेंक करके हत्या करने का काम किए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे इस घटना के संदर्भ में आप लोगों की क्या राय है, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके आप लोग भी जरूर बताएंगे।